अमूमन हमारे मुआशरे में सास को एक बदतरीन किरदार के तौर पर दिखाया जाता है, लेकिन मौजूदा हालात में और खुसूसन इस वाकये में वो लड़की को बहू बनाकर फिर से लाना चाहते थे और मामूली रंजिशों को खत्म करना चाहते थे, लेकिन ऐसा ना हो सका। ये ऐसी चारे बैठे सा इस वजह से बैठे हैं, बच्ची का कोई रौला है, असं उन्होंने जाके ले आने हैं, मनामू के ले आने हैं, असी सवेरे उन्होंने एक दो बंदे इकट्ठे करके असं ले जाके उन्होंने ले जाके तो बच्ची ने ले आना से वो एकदम उतों आ गए ने चारे ही। यकूब ने ललकारा मारिया है, इन्होंने तिना ने फायर कर दिए ने, ना यकूब भी किए ने है ललकारा मार, ना यकूब ने किए ने मतलब आदम और नसार इन्होंने दो ने फायर करके वो उसे ही जख्मी हो गया। राह असं गए हैं अस्पताल दवा चुकया है, तो जाके राह ही उन्हें दम तोड़ दिते है जाके। ससुरालियों का कहना था कि हमारे रिश्तेदार हैं लड़की वाले और यहां पर रिश्ता सिर्फ इस वजह से किया ताकि रंजिशें ना बने। दो साल तक रिश्ता कायम रहा और रंजिशें जो छोटी मोटे लड़ाई झगड़े थे वो भी तय होते रहे, लेकिन अब भी झगड़ा इतना बड़ा नहीं था। नहीं, इतने छोटा मोटा था वो, कोनी इतना ज्यादा मसला भी नहीं थे, छोटा मोटा था वो, रंजिश थी, छोटी सी बात पे नाराज हो गई थी। हम तो सोच रहे थे, प्लानिंग ही कर रहे थे कि ले आएंगे सुबह उनको, तो उन्होंने अचानक आके हमला कर दिया। हाँ, शादी को तकरीबन 4 साल हो गए हैं, दो बेटे हैं उनके, एक बड़ा बेटा है, छोटी बेटी है। बिलाल, मोहम्मद बिलाल, मोहम्मद निसार, जुबैर, जबार, यकूब। रिश्ता वो मेरा एक आदम मेरा भतीजा है, दूजा लतीफ मेरा भरा है, जरा हैदर अली है वो मेरा भरा छोटा है, जख्मी लतीफ होया है। हाँ हाँ, वो मेरा भरा है लतीफ छोटा है। हाँ, उन्होंने भी फायर 4 बजे ने, क्यों जी, दो है ने 223 रैफल उन्दे फायर मारे ने, और कोई पिस्तौल देने उन्दे रिवाल्वर दे उन्दे मारे ने। भागते हुए फायरिंग करते हुए निकल गए, महल वालों ने फायरिंग सुनी और घर आया तो देखा तो हम चीखो पकार पड़ी हुई थी, वो बच्चे के तो दो मौके पर मर गए और मैं अस्पताल चला गया। लड़के की बहन ने इल्जाम आयद किया कि उनके रिश्तेदार यानी उनकी भाभी के तमाम रिश्तेदार पहले भी इस किस्म के जराय में मुलव्विस हैं, वो भट्टा मालिकान हैं, असर और रसूख भी रखते हैं, इसी वजह से पुलिस ने भी उनके साथ नाजेबा सलूक नहीं किया और ना ही उन पर दबाव डाला, बल्कि नर्म रवैया रखा। उनको जमानत भी मिल गई, हालांकि उनकी गलती कोई छोटी गलती नहीं थी। और इनके भट्टे चल रहे हैं, इनके साथ कुछ भी नहीं किया गया। वो पट्ठे वाले ने उन्होंने पट्ठे बंद कराओ, असी वो इन्हें यानी कि कमा दे ने, वो बड़े लोग उन्होंने गमांड है अपने पैसों का, पूरी जमानत उन्होंने करा ली ने, तड़िया देंगे ने पे हैं, डरा दे खौफ ज़्यादा किया ने सानू, तो असी बहुत मतलब वो बड़ा पैसे वाले है लोग हैं, अगे भी लोगों बड़ा उन्हें तंग किया रहा, अच्छ सारी जिंदगी हो गई इन्हों, यो काम कर दें, कदम किसी का गल घुट लेंगे, कदम किसी चित्र इस तरह ही करते हैं, कई अगे भी इन्हें वाकया योजे किए। ये पट्टे वाले लोग हैं, इनको पट्टे भी चल रहे हैं अभी, ये पुलिस भी कुछ नहीं कर रही है। पुलिस कर रही है तो हम देखें अब आगे क्या होता, अभी तो एफ आई आर हुई, पुलिस तो अजय तो एफ आई आर हो भाई जख्मी पिया है, हूँ अगर कार्रवाई हो पता लगता है कि होंगे है।
मकतूल के बच्चों का कहना है कि उनको इंसाफ कौन दिलाएगा, उनके सर से छत छीन ली गई, जिम्मेदारान को कैफरे किरदार तक कौन पहुंचाएगा। उन मासूमों ने यह भी सवाल किया कि आज भी हम अपने वालिद की राह तकते हैं लेकिन वो वापस आने वाले नहीं। हमें इंसाफ दिया जाए, इनका कोई भी कमाने वाला नहीं है, हम किसके सहारे पे बैठे। और दोनों चाचू और भाई दोनों ही कमाते थे, अब अब्बू को भी उन्होंने चारपाई पे लिटा दिया, अब हमें कौन खिलाएगा कौन पिलाएगा, हम किसके सहारे पे। अभी भी हमें धमकियाँ दे रहे हैं, अभी ये हमें धमकियाँ भी दे रहे हैं, इन्होंने मेरे पीछे भी फायरिंग की है, इन्होंने छोटों को भी नहीं बख्शा, इन्होंने बहुत ज़्यादा फायरिंग की है। मेरे अभी अभी वो जो उनसे दूसरे मेरे चाचू थे वो भी बहुत मुश्किल से बचे हैं, अभी हम क्या करेंगे, हमारी मेरी 9 बहनें हैं, हम इनके साथ अब किस तरह मैं इनको पालूंगा, किस तरह इनकी पढ़ाई कराऊंगा और अपनी पढ़ाई किस तरह करूंगा। उन्हें अरेस्ट करो, उन्हें सजाए मौत दो, साड़ा की गुनाह सी, असी बेगुनाह वा, उन्हें हर हाल च अरेस्ट करो, उन्हें पट्ठे बंद करा दो, साड़ा स्कूल का खर्च आन दिया, साड़ियाँ फीसा कौन पढ़ेगा, साड़ा अबू चला गया, मेरा भाई भी चला गया, असी किंदे सहारे च हाँ, सानू दसो, सानू धमकियां देन डैन, हजे भी धमकियां देन डैन, असी स्कूल नहीं जान डै, सानू दसो असी की करिए। हमारी गुजारिश है कि और इनकी बेलें भी कर दी गई हैं, और हमारी गुजारिश है इनको बेलें कैंसिल करके जल्द से जल्द पकड़ा जाए, इनको गिरफ्तार किया जाए। और हमारी चीफ जस्टिस और आर्मी स्टाफ और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान से अपील है कि हमारे लिए हमारा बंदोबस्त किया जाए और इनको जल्द से जल्द सजा दी जाए। मेरी अम्मी भी बीमार हैं, उन्हें भी सांस का प्रॉब्लम है, हमारी प्लीज़ हमारी मदद की जाए, हमें इंसाफ चाहिए, चीफ जस्टिस से इमरान ख़ान से हमें अपील करते हैं, हम उनके आगे, हमें अभी भी धमकियाँ मिल रही हैं, प्लीज़ हमारे साथ इंसाफ किया जाए। हमें इमरान खान और चीफ जस्टिस और आर्मी स्टाफ से दरख्वास्त है, अपील है कि हमें ये इंसाफ दें, हम इंसाफ के मुंतजिर हैं, ये आज भी हमें धमकियाँ दे रही हैं उनके। असी आने हुकूमत जड़ी उन्होंने मेरे सामने फांसी ला दे, तिना चौ भरावान चौथा प्यो तीन भरा मैं अखी ना वेखा, हुकूमत लावे मेरा न्याय करे, हुकूमत करे मेरा न्याय, मैं बिल्कुल सच्ची चला लो, मेरे हाथ जुड़े जे, मैं इन्हें जोगी नहीं, मैं माड़ी बड़ी है, मेरा एक बच्चा है, एक मेरा साई। मकतूल के जख्मी होने वाले ताया और मुकदमे के मुदई और दीगर लवाहिकीन ने हुकूमत वक्त से ये मुतालबा किया है कि उन्हें इंसाफ दिया जाए और तमाम मुजरिमान को जिम्मेदारान को सख्त से सख्त सजा दी जाए। हमारे साथ जुल्म किया इन्होंने, बेमतहा जुल्म किया। हाँ जी, उसके 9 बच्चे हैं, भाई है छोटा हमारा, उसके 9 बच्चे हैं, छोटे छोटे, बेटा उसके 2 बच्चे हैं, वो भी मार दिया, भाई भी मार दिया, निकल गया वो मार के। पुलिस ने FIR काट दी है, आगे इन्वेस्टिगेशन, देखो क्या करते हैं। आप पुलिस की कार भी अभी तो मुलाकात नहीं हुई हमारी, इधर आए हैं बस, कह तो रहे हैं अभी जाते हैं तो देखते हैं फिर क्या करते हैं। कोई मुजरिमान अरेस्ट नहीं हुआ अभी तक, तो वो भागे हुए हैं, वो भट्ठे चला रहे हैं, घर बैठे हुए हैं, भट्ठे चला रहे हैं। पुलिस कहती है उन्होंने बेलें जमानते की ट्राई मारी है, वो कर ली हैं उन्होंने, हो गई हैं, पुलिस कार्रवाई करेगी तो पता चलेगा क्या करती है पुलिस हमारी।
अब वो आजादी से घूम रहे हैं और हम कुल मिलाकर 9 बहन भाई हैं। अब उनकी उनकी बेल भी उनको दे दी गई है। अभी उनको बेल दे दी है, अभी वो आजादी से घूम रहे हैं। उनकी मेरी पिया के उनकी अभी बेलें कैंसिल कराएं और हम अभी डर के हमारे स्कूल भी नहीं जा रहे। अभी हमें धमकियां दे रहे हैं कि हमें तो अभी भी जाने नुकसान मार देंगे। हमें हमारी फीस कौन देगा? हमें हमारे ऊपर कोई सहारा भी नहीं है। वो भाई और अबू सिर्फ कमाते थे, अब वो भी नहीं रहे हैं।